हेलो बच्चों, वेलकम। आज का अपना जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर है, और हिस्ट्री का जो अपना चैप्टर है जो यात्रा वृत्तांत हैं विदेशी यात्रियों के, उसमें आज अपन पढ़ेंगे बर्नियर द्वारा भारतीय समाज का वर्णन। इससे पहले हमने अलबेरूनी पढ़ लिया था और इब्न बतूता हमने पढ़ लिया था, और अब बर्नियर जो है, हमने बर्नियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन बर्नियर ने भारतीय समाज का जो वर्णन किया है और विभिन्न चीज़ों के बारे में उसने जो वर्णन किया है अपने ग्रंथ में, उसकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, लिखा है कि बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं था। तो उसने विभिन्न चीज़ों के बारे में लिखा है, मध्यम वर्ग के बारे में लिखता है कि भारत में मध्यम वर्ग उपस्थित नहीं था, भारत की खेती अच्छी नहीं थी। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बर्नियर की आदत क्या थी कि उसने जब भी भारत का वर्णन किया है अपने ग्रंथ में, वहां पर उसने भारतीयों को हर दृष्टि से हीन बताने की कोशिश की है, हर दृष्टि से भारत को यूरोप से तुलना करी है और कमजोर बताने का प्रयास किया है यूरोप की तुलना में। तो उसने कोई भी चीज भारत के बारे में चिन्ह बताई, जब चाहे वो भारत के नगरों का वर्णन हो, चाहे भारत के शिल्पकारों का वर्णन हो, चाहे भारतीय समाज का वर्णन हो, हर दृष्टि से उसने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तो यहां पर उसने क्या किया है, मध्यम वर्ग की बात करता है तो वो कहता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं था, खेती यहां की अच्छी होती नहीं थी, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषकों और श्रमिकों के अभाव में, क्या लिखता है कि कृषकों और श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन है, मतलब कि वहां पे कृषक नहीं है, भारत में खेती करने के लिए श्रमिक नहीं है, इसलिए वहां पे बहुत सारी जमीन जो है ऐसी पड़ी है जहां पे खेती नहीं होती है। और फिर क्या लिखता है कि यहां की हवा भी दूषित है, यहां की हवा में भी प्रदूषण है, ऐसा वो लिखता है। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया है ना, वो कहता है कि अगर आपने मुगल शासकों का अनुसरण कर लिया अपने देश को, अपने यूरोप को, चेतावनी देते हुए कहता है तो यूरोप जो है वो क्या हो जाएगा, यूरोप तबाह हो जाएगा, यूरोप बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वर्णन वो अपने ग्रंथ में करता है। बच्चों आगे देखो, लिखा है कि बर्नियर भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ें निजी भू स्वामित्व के अभाव को मानता है। वो मानता है कि भारत में जमीन जो थी उस पर राज्य का नियंत्रण था, निजी भू स्वामित्व नहीं था, व्यक्तिगत अधिकार जो है बिल्कुल जमीन पर लोगों को नहीं थे, कोई भी भूमि का मालिक जो है वो कोई व्यक्ति नहीं होता था, बल्कि संपूर्ण भूमि पर स्वामित्व जो है वो राजा का होता था या राज्य का होता था, बल्कि वहाँ पर निजी भू स्वामित्व बिल्कुल भी नहीं था। फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके यात्रा वृत्तांत का प्रयोग निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया है, और इसी आधार पर मार्क्स ने क्या लिखा है, इसके वृत्तांत को पढ़ने के बाद मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया था। तो इन लोगों ने भी इसका जो ग्रंथ था, इसके ग्रंथ को पढ़ने के बाद में अलग अलग अपनी धारणा व्यक्त करी थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बर्नियर द्वारा शिल्पकारों का वर्णन। तो उसने भारत के समाज के बारे में वर्णन करने के बाद में यहाँ पे हमने देखा भारतीय समाज का वर्णन बर्नियर के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे उसने शिल्पकारों के बारे में क्या लिखा है। तो शिल्पकारों के बारे में जो है वो बर्नियर क्या लिखता है कि शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी होता था, मतलब जो शिल्प का निर्माण करने वाले जो कारीगर होते थे, जो शिल्पकार व्यक्ति होते थे, उनको बर्नियर ने क्या बताया है, आलसी बताया है। और मतलब पहले भी आपको मैंने बता दिया पहले ही कि वो हर दृष्टि से भारत को हीन बताने का प्रयास करता है, भारत की किसी भी चीज़ की प्रशंसा तो उसके रोम रोम में भी कहीं लिखी हुई नहीं थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आगे क्या लिखता है कि जो शिल्पकार होता है वह जो भी निर्माण करता है वह अपनी आवश्यकताओं या फिर अपनी बाध्यताओं के कारण करता है, मतलब उसमें शिल्प का निर्माण करने की रुचि नहीं थी, वो इच्छा से कोई भी निर्माण नहीं करता था, या तो खुद की आवश्यकता जब होती थी, खुद को किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिल्प का निर्माण करता था, या फिर वो अपनी बाध्यताओं के कारण, बाध्यताओं का मतलब ऐसा था कि हो सकता है उस पर दबाव डाला गया हो सकता है राज्य उसे ऐसा करने के लिए कहता हो, तो तब जाकर के वो शिल्प का निर्माण करता था। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी, कोई प्रशिक्षण नहीं था, तो अगर कोई शिल्पकार अपना उत्पादन अच्छा अगर बनाना चाहता था तो उसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी, राज्य से कोई सहयोग उसे नहीं मिलता था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। अब अगर जो मुनाफा
वजीफा होगा वो अगर राज्य के द्वारा ले लिया जाएगा तो उस शिल्पकार को कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी, वो शिल्पकार स्वयं प्रेरणा से, है ना, स्वयं प्रेरणा से कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो ऐसी भारत में ऐसा सिस्टम था कि कोई भी जो है वो शिल्पकार जो है वो अपने उत्पादों को बेहतर नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसका जो लाभ प्राप्त होगा वो उसको नहीं मिलेगा बल्कि राज्य प्राप्त कर लेगा, ऐसी जो है वो प्रथा बताता है वो। हालांकि वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं जो है वो भारत से आती है, इस बात को तो वह स्वीकार करता है कि जितनी विश्व भर में जो बहुमूल्य धातुएं वो भारत से आती है, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं, भारत ऐसा था नहीं, भारत कमजोर था नहीं, भारत के शिल्पकार आलसी थे, भारत के शिल्पकार अपने उत्पादों को स्वेच्छा से नहीं बनाते थे, उनके उत्पाद बेहतर नहीं होते थे, ऐसी बातें करता है। तो विरोधाभासी चीजें उसके ग्रंथ में देखने को मिलती हैं। आगे क्या लिखता है बर्नियर जो है, बच्चों हम बात कर रहे हैं फ्रांसवा बर्नियर की, जो कि फ्रांस का नागरिक था, हमने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है पहले कि वो एक चिकित्सक था, उसने चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में अपनी सेवाएं दी थी, एक इतिहासकार था, सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आगे क्या लिखता है बर्नियर, बर्नियर एकमात्र इतिहासकार था जो राजकीय कारखाने की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण जो है वो प्रस्तुत करता है, जो राजकीय कारखाने होते थे उनके कार्य प्रणाली के बारे में भी जानकारी देता है। बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बर्नियर के द्वारा भारतीय नगरों का वर्णन, तो देखते हैं कि उसने भारतीय नगरों के बारे में क्या लिखा है। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले, ये विवरण पढ़ने से पहले हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ये PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, उस ऐप पर आप जब उसे डाउनलोड करोगे, उसे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री का कोर्स मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स मिलेंगे। और कंप्लीट कोर्स हम आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है, मात्र 99 रुपये में हम फुल एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे एक साल तक आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF के रूप में नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट आप अगर देना चाहें तो अपने ऑनलाइन टेस्ट वहां पे दे सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं हम खाली 99 रुपये में आपको दे रहे हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर प्राप्त करिएगा। और हमारे प्रत्येक वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या टेलीग्राम मैसेज करेंगे तो आपको वहां पे जो है एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये हमारी PDF मिल जाएगी। तो नंबर है हमारा 9079622989। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब देखें कि बर्नियर ने भारतीय नगरों का वर्णन कैसे किया है। बच्चों छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, तो हमने ये जो नोट्स तैयार किए हैं वन लाइनर नोट्स हैं, एक एक लाइन से आपका एक एक प्रश्न बन सकता है, आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर लीजिएगा, जितने भी आपके छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो बच्चों क्या लिखा है कि नगरों के बारे में बर्नियर ये लिखता है कि 17वीं सदी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी, तो इतनी जनसंख्या को उसने नगरों में निवास करते हुए बताया है। यह अनुपात उस समय यूरोप से कहीं अधिक था, मतलब उस समय यूरोप में भी इतनी जनसंख्या तो निवास नहीं करती थी नगरों में जितनी जनसंख्या भारतीय नगरों में निवास करती थी। लेकिन इसके बावजूद बर्नियर जो है वो क्या कहता है कि जो भारतीय नगर हैं वो भारतीय नगरों को शिविर नगर कहकर के संबोधित करता है, एक प्रकार से भारतीय नगरों को यूरोप की तुलना में हीन दिखाने का प्रयास करता है, यूरोप की तुलना में हल्का दिखाने का प्रयास करता है, यूरोप की तुलना में कमजोर दिखाने का प्रयास करता है, यूरोप की तुलना में छोटा दिखाने का प्रयास करता है। इसलिए क्या कहता है कि वो भारतीय नगरों को शिविर नगर, जैसे शिविर होते हैं ना टेंट लगा करके लोग, जैसे मान लो टेंटों में रहते हैं, तो ऐसे शिविर नगर वो कहता है, और ये राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। तो इस तरीके से उसने नगरों के बारे में जो है वो बताया है। अब हम देखेंगे दास और दासियों के बारे में क्या विवरण मिलता है। तो ऐसा कहा गया है कि मध्यकाल में बाजार में खुले में, बिल्कुल खुले आम जैसे वस्तुएं बिकती है उसी रूप में खुले आम दास बेचे और खरीदे जाते थे। जो दास होते थे उनको बेचने और खरीदने के लिए मंडियां लगती थी, मार्केट में दास खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। अगर किसी को चाहिए होता था कोई दास तो वो मार्केट में जाके खरीद सकता था, या किसी को अगर बेचना है तो वो खुले आम जो है वो वहां जाके बेच सकता था, वहां पे सरकार की कोई पाबंदी नहीं थी। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा, इब्न बतूता की बात करते हैं, मोरक्को निवासी इब्न बतूता जब भारत आया था और भारत में जब वो सिंध पहुंचा तो उसने उस समय के तत्कालीन जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक,
तो मोहम्मद बिन तुगलक को देने के लिए उसने ऊंट, घोड़े और दास खरीदे थे। उसने ऊंट भी खरीदे, घोड़े भी खरीदे थे और साथ में उसने दास भी खरीदे थे। तो अब देख लो जिस तरीके से पशु मार्केट में बेचे जाते हैं, जिस तरीके से वस्तुएं मार्केट में बेची जाती थी, उसी तरीके से उस जमाने में जो है वो दास भी बेचे जाते थे। और सुल्तान को देने के लिए इब्न बतूता ने मार्केट से इन पशुओं के साथ में दास भी खरीदे थे। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 1,00,000 टके और 200 दास उसे दिए थे। तो बच्चों, ये हमने दासों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। और अब हम देखेंगे कि दासों का उपयोग क्या होता था, उस समय दास किस काम आते थे, इतने दास जब मार्केट में खरीदे और बेचे जाते थे तो आखिर उनका उपयोग क्या था। तो यहाँ पे लिखा है कि सुल्तान की कुछ जो दासियाँ थी वो संगीत में निपुण थी, तो वो सुल्तान के लिए संगीत गाने बजाने का काम करती थी, मनोरंजन उसका करने का काम आता था। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था, तो उसके लिए भी दास जो है वो रखे जाते थे। क्या करने के लिए? संगीत के लिए दास रखे जाते थे, नज़र रखने के लिए दास रखे जाते थे, और दासों को सामान्यतया घरेलू श्रम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी घर के जो कामकाज होते थे उनको घर के कामकाज करवाने के लिए भी दास दासियाँ जो है वो खरीदी बेची जाती थी और रखे जाते थे। पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में इनकी सेवाएँ ली जाती थी। तो विशेष करके महिलाओं को जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पालकी में बिठा करके जब ले जाया जाता था, तो ऐसे काम के लिए भी जो है वो दासों को रखा जाता था, और ये काम जो है वो दास किया करते थे। दासों की कीमत, विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए होती थी, बहुत कम होती थी। तो जो दासियाँ घरेलू काम के लिए खरीदी जाती थी उनकी कीमत तो बहुत कम होती थी, और अगर बाकी कामों के लिए जो दासियाँ खरीदी जाती थी हो सकता है उनकी कीमत थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन घरेलू काम के लिए खरीदी जाने वाली दासियों की कीमत तो बहुत कम होती थी। सती प्रथा के बारे में हम देखेंगे क्या विवरण मिलता है उन विदेशी यात्रियों के विवरणों में। तो लिखा है कि सती प्रथा जो है ये कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयमेव प्रविष्ट होकर के आत्मत्याग कर लेती थी। तो ऐसा विवरण मिलता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो जब उसे जलाया जाता था, उसकी चिता जब जलती थी, तो उस चिता में कुछ महिलाएँ तो खुद से ही जो है वो अपना उसमें चढ़ जाती थी और अपने आप अपने प्राण त्याग देती थी, उत्सर्ग कर देती थी, और को फिर उसके लिए बाध्य किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। तो जो बर्नियर है, फ्रांसवा बर्नियर, उसने जो है वो इसका अपने विवरण ग्रंथ में इसका विवरण, विस्तृत विवरण दिया है। उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिला प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब मजबूरन भी जो है वो कुछ महिलाओं को उसमें जलने के लिए बाध्य किया जाता था, ऐसा विवरण उसने लिखा है। तो बच्चों, ये हमने किया है, ये जो चैप्टर है विदेशी यात्रियों के वृतांतों के बारे में हमने पढ़ा, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार के वीडियोज को शेयर करिए। आपके बोर्ड एग्जाम्स तक हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, और पिछले वर्षों के दौरान हमारे साथ जो बच्चे लगातार जिन्होंने तैयारी करी थी उन्होंने 90 से above 95% से भी above नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप जरूर लगातार साथ में बने रहिएगा। हमारी लाइव क्लास होती है एवरीडे शाम को 8:30 बजे, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड करिएगा, उसे लॉग इन करके आप वहां पर जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे विभिन्न सब्जेक्ट्स के, क्लास 12th के लिए। तो आप उन कोर्सेज को भी देख सकते हैं जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, सारी चीजें आपके बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये जो PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बच्चों, बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।